मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुरुवार को महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं सहित तीन लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, मगर अब ये मॉब लिंचिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में इस घटना के बाद सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पालघर हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। इस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पालघर का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के पालघर का वीडियो आया है, हृदय विदारक बेबस संत पुलिस के पीछे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और ऐसा साफ दिख रहा है कि पुलिस न केवल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि बेचारे संत को भीड़ में ढकेला जा रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पालघर मॉब लिंचिंग मामले में उद्धव सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कह रही है, मगर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भीड़ के आगे पुलिस बेबस कैसे हो गई, कैसे लॉकडाउन में दो साधुओं सहित तीन लोगों की जानवर बनी इंसानों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पालघर की घटना में 110 लोगों को गिरफ्तार उसी दिन कर लिया गया था और 110 लोगों में से 9 लोग नाबालिग हैं। इन सभी लोगों पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किए गए हैं। सभी आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, वहीं नाबालिग को शेल्टर होम में भेजा गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में कासा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।